एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ये वाला सॉफ्ट पिंक मेकअप लुक करेंगे। बहुत इजी सा मेकअप लुक है, प्यारा सा पिंक कलर का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो सबसे पहले मैं अपना करूँगी स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का विटामिन सी टोनर। आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, बहुत अच्छा टोनर है गाइस। जिनके पोर्स है फेस पे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सो प्राइमर अप्लाई करने के बाद, और सॉरी टोनर अप्लाई करने के बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये सुपर फूड मॉइस्चराइज़र है माई ग्लैम का। सो अभी जैसे विंटर आ गए हैं ना, स्किन ड्राई सी हो जाती है, इसलिए मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा विंटर वाला मॉइस्चराइज़र, इसलिए मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा फेस पे ड्राइनेस ना आए, मेरा मेकअप का बेस अच्छा बने, इसलिए अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप अच्छा दिखने के लिए आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना होगा, मेकअप के लिए रेडी करना होगा स्किन को, तभी मेकअप अच्छा होगा। उसके बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर प्लस हाइलाइटर। हाइलाइटर वाला प्राइमर है ये, आपके फेस को हाईलाइट भी करता है और साथ में आपके फेस को प्राइमर का भी काम करता है, दोनों ही काम करता है। आपको जब भी इसको अप्लाई करना है अपनी चीक्स पे और अपने नोज़ पे अप्लाई करना है ज़्यादा, क्योंकि इसमें चमके आर्टिकल्स हैं, इसलिए आप अपने चीक्स और नोज़ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ताकि जो आपको वो वाले आपके एरिया हाईलाइट हो। आप देख रहे हो ना, इससे कितनी अच्छी शाइन सी आ गई। सो इसे मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं लगा रही हूँ माइलो का फाउंडेशन। मम्मा अर्थ माई ग्लैम घूम रहा था। माइलो का फाउंडेशन, ये एलोवेरा वाला फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस। उसके ऊपर ऐसे पंप लगा है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगता है ये, बस थोड़ा सा लगाने से ही बहुत अच्छी कवरेज देता है। सिर्फ मैंने एक ड्रॉप लिया, मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी कवरेज है इसकी। सो आपको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अगर आप डॉट डॉट करके अप्लाई करोगे ना तो फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगता है आपके फेस पे। अगर आप ब्रश की हेल्प से या आप ऐसे डायरेक्टली लगाओगे ना तो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं करता है। ये डॉट डॉट करने से, लगाने से अच्छे से ब्लेंड होता है। सो ऐसे लगाने के बाद मैं लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको वेट कर लेना है, वेट करके ड्राई करके फिर आपको अपने फेस पे डैप डैप करके पूरे फेस पे इसको ब्लेंड करना है। आपको रब नहीं करना, आपको ब्लेंड डैप डैप करना है, ताकि जो आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आपको अपनी एयर्स पे और अपने नेक पे ज़रूर अप्लाई करना है फाउंडेशन को, जिस तरह से आपने, जिस अकॉर्डिंग आपने नेक पहना है उस अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन को अपने नेक पे, अपने एयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी हमारा बेस अच्छे से बनेगा। बेस सुंदर तभी बनता है अगर ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो। सो ब्लेंडिंग मैंने कर ली अच्छे से फाउंडेशन की। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर। फुल कवरेज कंसीलर है गाइस, बहुत अच्छा कंसीलर है। कंसीलर को कंसीलर, हाँ जी हाँ जी बेटा चुप कर जो। कंसीलर को मैं अपनी आइस के ऊपर, आइस के नीचे अप्लाई करूँगी, अपने हेड पे भी अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मेरे डार्क्स एरिया है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। सो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। सो अगर आप चाहो तो आप कलर करेक्टर भी कर सकते हो, करेक्टर से भी अपने अंडर आईज एरिया को या डार्क सर्कल्स को पहले कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी करेक्टर नहीं किया। इस फाउंडेशन की कवरेज इतनी अच्छी है और कंसीलर की, इसलिए मैंने करेक्टर यूज़ नहीं किया, मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई कर लिया और फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। अब देख रहे होगे कि कंसीलर की कवरेज कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी कवरेज दे रहा है ये कंसीलर। गाइस बहुत अच्छा कंसीलर है, अगर आप फुल कवरेज कंसीलर ढूंढ रहे हो ना तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको पर्पल पे, अमेजोन पे, नाइका पे मिल जाएगा। सो थोड़ा सा मैट है इसलिए इसको फटाफट से ब्लेंड करना होता है। सो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी माई ग्लैम की आईब्रो पाउडर से, अपने आईब्रो को फिल करूँगी। ब्राउन कलर का पाउडर है, बहुत अच्छा है गाइस, आपकी आईब्रोस को एक नेचुरल सी लुक देता है, नेचुरल लगती हैं इसको लगाने के बाद आपकी आईब्रो।
सो मैं आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। फिल करने के बाद अब मैं अपने फेस को करूँगी सेट सेटिंग पाउडर से। उससे पहले मैं ब्रश लेके ना ब्रश से अपनी आईब्रो को थोड़ा थोड़ा कॉम कर लूँगी। सो अब मैं अपना फेस को सेट करूँगी सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर के लिए मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का लूज पाउडर। बहुत अच्छा लूज पाउडर है गाइस, आपके बेस को अच्छे से सेट कर देता है ये लूज पाउडर, लॉक कर देता है बेस को, बेस ख़राब नहीं होता। सो अपनी आईज़ के नीचे आपको ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि आईज़ के नीचे से ही हमारा जो कंसीलर होता है वो क्रीज करता है, क्रैक हो जाता है। इसलिए आपको अच्छे से अपनी आईज़ के नीचे, ऊपर, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है लूज़ पाउडर को, ताकि जो आपका बेस ख़राब ना हो, फटे ना, क्रैक ना आए उसमें। सो अच्छे से मैं सेट करने के बाद अपने फेस को, इसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगी आईज़ मेकअप। आईज़ मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं लूँगी छोटा वाला फ्रपी ब्रश। ब्रश की हेल्प से मैं आईज़ मेकअप करूँगी। आईज़ मेकअप के लिए आज मैंने सोचा कि आज मैं जो ब्लशर है ना, ब्लशर से ही आईज़ मेकअप करके दिखाती हूँ आपको। ज़रूरी नहीं आपके पास आईज़ मेकअप के लिए आईज़ मेकअप वाली किट हो, आई शेडो किट हो, आप कोई भी कलर लेके अपना आईज़ मेकअप कर सकते हैं। आप लिपस्टिक से भी अपना आईज़ मेकअप कर सकते हैं। सो अभी मैं इसमें से जो पीच वाला कलर है ब्लशर का, उस वो वाला कलर लूँगी। ये फॉरएवर 52 का ब्लशर है, इसका कलर बहुत पिगमेंटेड है ब्लशर का भी। आप मैं लगाऊंगी तो आप देखना कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, एक बार लगाने से ही बहुत अच्छा कलर देता है। सो मैंने बस जैसे पिंक मेकअप करना था, सॉफ्ट पिंक, इसलिए मैंने आईज़ को भी बहुत ही सिंपल सा रखा है आज। बस थोड़ा सा पिंक कलर लेके आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया। सो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन को बिल्डअप करूँगी। सर्कुलेशन मोशन में आपको आईज़ मेकअप करना है, क्रीज लाइन को पहले बिल्डअप करना है, फिर अपने नीचे की आईज़ को आपको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। अगर आप चाहो तो आप नीचे कोई और कलर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने अभी पिंक ही लगाया है। सो बस आईज़ मेकअप मेरा हो गया डन। इसके बाद मैं इसी ब्लशर के कलर को लूँगी और इसे अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी। चीक्स पे, नोज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस, ब्लशर अप्लाई करने के बाद मेकअप पाउडर ब्रश की हेल्प से अपना जो मेरे एक्स्ट्रा पाउडर था फेस पे, उसको हटा दूँगी ब्रश की हेल्प से। सो इसके बाद मैं लगाऊँगी लाइनर। लाइनर के लिए मैंने लिया है माइलो का आईलाइनर। माइलो के आईलाइनर को मैं ऐसे ही वन लेयर अप्लाई करके इसको विंग्ड आईलाइनर लगाऊंगी। अब आज मैं आपको दिखाऊंगी कि विंग्ड आईलाइनर कैसे लगाते हैं। पहले आपको हल्की सी एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करके उसको उसके साथ मिला देना है, और बस आपका विंग्ड आईलाइनर हो गया अप्लाई। दूसरी साइड भी ऐसे ही हम आईलाइनर को अप्लाई करेंगे। सो आईलाइनर पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, अलग अलग तरह का आईलाइनर लगाना बताया है मैंने, वो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो उसको। सो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, ये माई ग्लैम का मस्कारा है। इसको मैं अपने अच्छे से अपनी आईलैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। आज मैं आईलैशेस नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ताकि जो आपको फेक आईलैशेस की नीड ना हो, आपकी आईलैशेस में वॉल्यूम आ जाए मस्कारे से ही। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, आपकी आईलैशेस को अच्छे से वॉल्यूम दे देता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है। सो मैं इसको डबल कोट करके मस्कारा को अप्लाई कर लूँगी। सो आईज़ के नीचे भी मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, नीचे वाली आईलैशेस पर भी।
सो बस अभी फाइनल लुक रह गई, फाइनल टच रह गया। अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, मैं अपने फेस को हाइलाइट करूँगी। ये हुडा ब्यूटी की पैलेट है, इसमें से जो सिल्वर वाला हाइलाइटर है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये हाइलाइटर लगाना। ये बहुत अच्छा लुक देता है ये वाला हाइलाइटर, सिल्वर कलर का हाइलाइटर है। अभी आप देखोगे ये कितनी अच्छा ग्लो सा आ गया इसको हाइलाइटर को अप्लाई करने के बाद। सो बस इसको मैं अच्छे से अपनी चीक बोन्स पे, अपने नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी। मुझे हाइलाइटर लगाना पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे हाइलाइट लगा करना अपने फेस को और हाइलाइटर अप्लाई करना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। सो बस हाइलाइटर हो गया मेरा अप्लाई, इसके बाद मैं अपने फेस पे मेकअप फिक्सर लगाऊंगी, अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। मेकअप फिक्सर से जब भी आपको अपने फेस पे मेकअप फिक्सर लगाना है, आपको अपने आईज़ को कवर कर लेना है ताकि जो आपका आईज़ मेकअप ख़राब ना हो मेकअप फिक्सर से। सो मेकअप फिक्सर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, पिंक कलर की लिपस्टिक है ये। ये माई ग्लैम की ही लिपस्टिक है, शेड है DTR, बहुत अच्छा शेड है गाइस, वैसे देखने में बहुत अच्छा है। अभी फ़ोन पे कैमरे पे इतना अच्छे से ये कलर नहीं आ रहा, कुछ और ही आ रहा है, लेकिन सामने देखने में कलर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी डार्क सा आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे क्यों आ रहा है, इतना डार्क क्यों आ रहा है। अभी मुझे लग रहा था कि मेरी लिपस्टिक ज़्यादा डार्क लग रही है मुझको, क्योंकि कैमरे में ज़्यादा डार्क लग रही थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए और लिपस्टिक को थोड़ी सी अलग लुक देने के लिए मैं वही वाला हुडा ब्यूटी का पैलेट लूँगी। इसमें से मैं जो सिल्वर वाला कलर है उसको लेकर थोड़ा थोड़ा अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे लिपस्टिक का कलर भी चेंज हो जाए और लिप्स की जो शेड है वो भी चेंज हो जाए। ऐसा आप ऐसा ट्राई करके देखना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप कोई भी शिमर वाला आई शेडो या हाईलाइटर को अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, उसे लगाने के बाद आप लिपस्टिक का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप देखोगे ऐसे ऐसे अप्लाई करने के बाद कलर कितना चेंज हो जाएगा। सो बस गाइस लिपस्टिक मैंने कर ली अप्लाई, मेकअप मेरा हो गया है अभी डन। अभी मैं आपको अपनी फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। अभी मेरी गुड़िया आ गई, इसलिए मैं स्माइल कर रही हूँ, आ गई। देख लो, देखो तो चिली। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो सारे, हाय। क्या सो बस गाइस ये है मेरी फाइनल लुक, आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।